कंट्रोवर्सी हो गई और हमको यहाँ आने में लेट हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट हो, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि कुछ लोग का कंट्रोवर्सी ये है कि मेरे नाम को लेके, कि मेरा नाम अमित सिंह है कि क्या है। एक उटपटांग नाम मिलते हैं सर, हमारा नाम क्या करेगा तुम जान, मेरा नाम जालिम खान। चलो ध्यान से देखो अब्दुल रजा यार, तो हम लोग को अपने नाम से ज्यादा ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे देश का नाम कैसे हो। यार कौन पूछता है आने वाले 20 साल 30 साल बाद कि कोई खान सर थे। हम यही चाहते हैं ना कि हमारा नाम रहे ना रहे, हमारे भारत माँ का नाम रहना चाहिए पूरी दुनिया में। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल है। कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप तो ज्यादा लोग बढ़ के। क्या बोलता है, रंगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझते हैं कि पाकिस्तान वाला है। अच्छा शायरी बोल रहा है, शायरी अच्छा बोल रहे हैं आप। यूट्यूब पे फैलाया जा रहा है, चाहे मीडिया में फैलाया जा रहा है, वो गलत है। वो एक हिंदू नहीं है, वो एक मुस्लिम है और उनका नाम शुरू से हम लोग जानते हैं खान सर है, और उनका घर गोरखपुर है, इतना हम लोग जानते हैं। कब से आप जानते हैं खान सर को? लगभग चार साल से जानते होंगे हम लोग। कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी? इसी कैंपस में। पहले ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ाते थे? नहीं नहीं, पहले ऑफलाइन ही क्लास चलाते थे। उस वक्त कितने बच्चे इनके साथ पढ़ते थे? 200-250 पढ़ते थे उस समय, पहले इस क्लासरूम में पढ़ाते थे, नीचे में। जब ये भर गया तो ऊपर चले गए। ऑनलाइन कब से हैं? 2019 से। हाँ, दो एक डेढ़ साल से हैं। ऑनलाइन क्लास के बाद कितने बच्चे आ गए इनके कोचिंग में? अभी पूरा भरा पड़ा रहता है इन्हीं के स्टूडेंट। लगभग कितने हजार बच्चे होते हैं? लगभग एक बैच में 1500-1600 स्टूडेंट होते हैं। 1500-1600 कितना बैच चलाते हैं सर? लगभग 7-8 बैच चलाते होंगे भर दिन में। आप 4 सालों से उनके मित्र हैं, क्या ना उनके बारे में आप लोग ने कभी उनका कुछ उनके तरफ से कोई आप लोग नहीं पूछा कि आपका रियल नेम क्या है? वो तो सब फैज खान सब कहते हैं उनको, तो हम लोग ज़्यादातर नाम उनका मार्केट में खान सर से ही सब जानते हैं। फैज खान कौन कहते हैं? वो खुद बताते हैं, मतलब हम लोग को बताते थे पहले कि फैज खान नाम है। गोरखपुर में कहाँ रहते हैं? गोरखपुर में अब उनका गांव, वो बोलते हैं कि गांव मेरा गोरखपुर है, यूपी। यूपी। एड्रेस वगैरह नहीं बताया? एड्रेस पटना में। वो कब से रह रहे हैं ये पता चला आपको? लगभग वो तो 7-8 साल से रह रहे होंगे। 7-8 साल से रह रहे हैं। यहाँ कोचिंग कितने सालों से पढ़ा? लगभग 3-4। पब्लिक डोमेन में जितनी जानकारी दी गई है मेरे बारे में, उसमें से 50% जानकारियाँ गलत है। जो लोग मेरा नाम एम से शुरू होता है, कोई मतलब नहीं। हमारे बारे में केवल दो जानकारी समझिए, हम एक हिंदुस्तानी हैं, ये मेरा धर्म है, टीचर है मेरी जाति है। शिक्षा को इतना सस्ता बना देना है और इतना जरूरी बना देना है कि लोगों के लिए ऑक्सीजन और पानी जितना जरूरी है उतना शिक्षा हो जाए, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। जिस दिन ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हम ये समाज ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, काम खत्म। दूसरा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, हम एक इंसान नहीं, एक वर्किंग मशीन है। मेरा अपना कोई सपना नहीं, मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। बस इतना ही जानिए मेरे बारे में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम एक सपने को पूरा करने के लिए जी रहे हैं कि हर भारतीय एक शिक्षित हो।